फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रिकेट से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले सुनना चाहते हैं और इस न्यू क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पे शुरू क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको इस चैनल पे आने का शुक्रिया और आप देख रहे हैं न्यू क्रिकेट। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि IPL का 28 अप्रैल को कितने मैच और किन टीमों के दरमियान खेले जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, ये प्लान शुरू करते हैं। 28 अप्रैल को फ्रेंड्स IPL का सिर्फ एक मैच खेला जाएगा, लेकिन वो मैच रात को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यह मैच 7:30 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच 8 बजे खेला जाएगा। लेकिन अगले दिन जो मैच खेला जाएगा 29 अप्रैल को, वो दो मैच खेले जाएंगे, वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन ये मैच जो आज खेला जा रहा है वो है चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के दरमियान। जी दोस्तों, दोनों टीमें ग्राउंड में मौजूद हैं और ये मैच शुरू हो चुका है, अभी ये मैच शुरू हुआ है। ये मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के दरमियान है। ये पॉइंट टेबल, चेन्नई ने 6 मैच खेले हैं जिनमें से वो 5 मैच जीत कर पहले नंबर पर है। लेकिन अगर बात करें मुंबई की, तो वो 6 मैच जीत कर 6 मैच खेल कर सॉरी वो 6 मैच खेल कर 1 मैच जीत कर 7वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, अगर मुंबई इंडिया ऊपर आना चाहती है तो इसको ये मैच जीतना होगा। लेकिन अगर चेन्नई अपनी फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखना चाहती है तो उसको भी ये मैच ज़रूर जीतना होगा। लेकिन देखते हैं ये आज का मैच कौन जीतता है। मुंबई की तरफ से वो 11 खिलाड़ी रोहित शर्मा लेकर उतरे हैं, लेकिन चेन्नई की भी तरफ से वो 11 खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अपने 11 खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।